बम जब ऊपर से गिर रहे होते हैं तो वो बड़ी जी सर, वो तो थी जब गिर रहे थे तब सब लोग पैनिक हो रहे थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी बाहर लाना पड़ रहा था, हॉस्पिटल में भी थे छोटे बच्चे, उन सब पेशेंट्स को बाहर लाना पड़ रहा था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ में कुलदीप हैं और कुलदीप यूक्रेन से इंडिया पहुँचे हैं और पिलानी के रहने वाले हैं, अपने घर पर आ गए हैं। कुलदीप से ही जानेंगे वहाँ की स्थिति क्या है और ये किस प्रकार से इंडिया में पहुँचे हैं। तो कुलदीप, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए। आई एम स्टूडेंट इन द डोनेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, आई एम इन माई फाइनल ईयर, और क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी तो इसकी वजह से मैं मेरे दोस्तों के साथ इवानो में था। इवानो फ्रैंकिस। इवानो की डिस्टेंस कितनी है कीव से? कीव से सर अराउंड 600 किलोमीटर। तो आप कीव शहर में भी पहुँचे थे? जी सर। उस वहाँ पे सर, वहाँ पे कुछ भी नहीं, वहाँ पे नॉर्मली था। जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बाद में मैं डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बार क्यों गया था, तो 23rd को, आई एम नॉट श्योर में भी, तो वहाँ गया था तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिया, तो फिर मैंने उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए पूछा तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप पोस्ट कर सकते हो। तो हमने वो डॉक्यूमेंट पोस्ट किया और फिर नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के हम 24 को मॉर्निंग में हम वापस आ गए। तो वहाँ पर जब हम आ रहे थे तो हमें वो एमरजेंसी अलर्ट हो रखा था, तो बट सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। तो हम फ्लैट में गए, फ्लैट हमारा पास में था एयरपोर्ट के, तो वहाँ पे फायर अलार्म बज रहे थे और फायर लगी हुई थी। तो बाद में जैसे ही हाथ फ्रेश वगैरह हुए, फ्रेश वगैरह होने के बाद आया तो वहाँ पे 6-5 मिसाइल बॉम्बिंग हुई थी। उसके बाद एयरपोर्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने एयरबेस को उड़ाया, वहाँ पे फाइट हुई, तो हमने वो फ्लैट छोड़ के फिर हम उसके बाद फिर इमरजेंसी था तो हम बॉम्ब शेल्टर में गए। बॉम्ब शेल्टर में फिर हमें बाहर निकाल दिया गया, बोला अब ठीक है तुम वापस जाओ। घर आए, घर आके खाना वाना बना रहे थे तो फिर इमरजेंसी अलर्ट हुआ, तो फिर हम दौड़ के गए और उसके बाद हमें नोटिस मिला था कि आप अपने नियरेस्ट जो भी बॉर्डर है आप उसकी तरफ जाओ, कुछ भी अरेंज करो, अगर कुछ अरेंज नहीं होता तो यूनिवर्सिटी भी लड़ा। भारतीय दूतावास से आपको मिला था क्या? जी भारतीय, हम इंडियन एम्बेसी से, और अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। तो हम यूनिवर्सिटी वालों ने भी लिंक शेयर किया था कि कल हॉस्टल के सामने बस आएगी जिसमें जाए, तो वो फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके थे तो वो सीट फुल हो गई थी। तो हम सुबह से लगे हुए थे टैक्सी या बस के लिए, उसके बाद हमें नहीं मिले थे, तो हमें इवनिंग में 6-7 के आसपास हमें वो बसेस मिली। तो बसेस के लिए जब हम जा रहे थे, हमारे पास टाइम भी नहीं था एक्चुअली ज़्यादा, हमें बस 5-5 मिनट पहले कॉल आया था कि बस का अरेंजमेंट हो चुका है तो आप इस डेस्टिनेशन पे आ जाओ, यहाँ से पिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पे गए तो वहाँ पे फिर वो इमरजेंसी अलर्ट बजा, तो हम बस की बजाय जाने की बजाय शेल्टर में गए। शेल्टर से जैसे हम 10-15 मिनट बैठे वहाँ पे, फिर जैसे सायरन ऑफ हुआ तो हम बाहर आए, बस में बैठे और बस के सामने ये भी हमें को वो नोटिस आया था कि अगर आप कोई भी व्हीकल, बस, टैक्सी, बाय कार जैसे भी जा रहे हो तो इंडियन फ्लैग होना चाहिए और उस पर आप लिख दो साइड में एक पेपर पे इंडियंस ऑन बोर्ड, तो आपको ना कोई रशियन गवर्नमेंट रोके, रशियन मिलिट्री रोकेगी ना यूक्रेन मिलिट्री रोकेगी। तो उसके बाद हमने लगभग 7 और 7 और शाम के 8 बजे के आसपास हमने हमारा बस में बैठ गए थे, तो उसने हमें बॉर्डर से बीच में चेक इन भी हुआ पुलिस का, तो कुछ किसी ने नहीं रोका, सिर्फ एक बार चेक किया और हमें जाने दिया। दोनों दो बसेस थी जिसमें हम लगभग 80 और 85 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ जो सिर्फ इवानों के थे, जान जो भी हमारे रिलेटिव उनके जी। तो उसके बाद फिर हमें बॉर्डर के पूरा क्लोज नहीं की क्योंकि बॉर्डर के पास बहुत लंबी लाइन थी, वाले बॉर्डर रोमानिया की तरफ गए थे हम, जो चेनेवस्की के बाद पड़ता है और सबसे नज़दीक हमारे वही पड़ता है, तो हम उसकी तरफ अप्रोच किए। जाने से पहले उन्होंने हमें 3 या 3.5 किलोमीटर पहले बोले कि इससे आगे बस नहीं जा सकती, आपको यहीं निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ से पैदल हम पहुँचे रोमानिया बॉर्डर की तरफ। कितना किलोमीटर चले पैदल? 3.5-4 किलोमीटर के अराउंड अप्रोक्स हुआ। अब बैठ के जा रहे थे, आराम से पहुँच गए, हमारा कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद ना हमें लगेज पैक करने का टाइम मिला ना कुछ, तो एक एक बैग पैक सबने उठाया। तो हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें कम से कम हम 1.5 घंटा या 2 घंटे लाइन से लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप शोर वगैरह मत करो, अगर जितना ज़्यादा आप वो करोगे, शोर करोगे, हम उतना ही लेट बॉर्डर ओपन करेंगे। तो हम चुपचाप खड़े हो गए थे, फिर बोले कि कैफ़े में जाओ, अभी 1 घंटे के बाद बॉर्डर ओपन होंगे। तो हम सब कैफ़े में बैठे थे, 1 घंटे बाद वापस लाइन में लगे। और हाँ, कैफ़े में बैठे थे तो जो
टर्नोपिल यूनिवर्सिटी है उसके बच्चे आए हुए थे हमसे पहले सुबह के, तो उनका पहले हुआ और फिर हम गए। और उन भी ये क्या कर रहे थे कि जब हम बॉर्डर पे थे तो यूक्रेनियन गर्ल्स जो बच्चों के साथ उनको पहले निकाल रहे थे, फिर इंडियन गर्ल्स और बाकी फिर यूक्रेनियन बॉयज़ और इंडियन बॉयज़ को। तो हम खड़े हुए थे लगभग 10 बजे के आसपास, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह निकल गए, मेरा नंबर हमारा नंबर आया, जो बाकी बच गए थे दूसरी बस वाले उनका नेक्स्ट डे 10:30 के आसपास। वहाँ से निकलने के बाद हमें वहाँ पे जो बॉर्डर क्रॉस का है, जो यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस का, उसका स्टैंप लगवाना था, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। तो हम लगभग 2.5 या 3 घंटे पहले से खड़े थे, तो हमारा नहीं ले रहे थे, वही बच्चों का जो बच्चों गर्ल्स के साथ है उनका पहले हुआ था, फिर हम लेट हुआ बॉर्डर पे। आपको, आप जब पहुँचे बॉर्डर पे तो एक दिन आपको वहाँ वेट करना पड़ा? हाँ, पूरी रात, मतलब वैसे अगर लाइन छोड़ के हम पीछे जाते या बैठते तो हमारे जगह कोई और आता, तो चांस रिस्की होता हमारे लिए। तो हम गए वहाँ पे, स्टैंप वगैरह लगा, तो 6-7 घंटे हमारे वहाँ पे वेस्ट हुए। उसके बाद जब उन्होंने स्टैंप लगाया तो रोमानिया बॉर्डर में घुसे, रोमानिया बॉर्डर वालों ने हमें 3 दिन का वीज़ा दिया। उसके बाद थैंक्स टू रोमानियन पीपल, वो बहुत अच्छे थे, और जो वहाँ के सिविल पीपल थे वो बॉर्डर पे आए हुए थे हमारी हेल्प करने, घर से खाना बना के ला रहे थे, शेल्टर थे, दे प्रोवाइड अस होटल्स टू लिव, एवरीथिंग दे डिड वाज सो नाइस। एंड लेटर ऑन दे वी कॉल्ड देम लाइक वी नीड टू गो टू द, पूरा सहयोग मिला। हाँ, पूरा सहयोग मिला। तो हमने उनको रोमानियन बॉर्डर वालों से रिक्वेस्ट की कि हमें एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट था 480 किलोमीटर समथिंग फ्रॉम योर रोमानियन बॉर्डर से, जो बुचारेस्ट एयरपोर्ट था। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ से जाने के लिए सब उन्होंने अरेंज किया, बसेस टैक्सी जो भी होता, 2 बड़ी बसेस थी, बाकी सब वो पैसेंजर वाले वो थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारा वो फ़ोटो वगैरह क्लिक किया, इंडियन एम्बेसी के लोग थे उन्होंने, और उसके बाद हमें एंट्री दिया शाम में और लगभग 2:30-3 बजे के आसपास मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला कि 5 बजे की आपकी फ़्लाइट है, तो हो जाए तो हुआ, एक बस ख़राब हो गई थी तो उसके चक्कर में फ़्लाइट लेट हुआ, तो हम लेट उड़े। और फिर सब ईजिली हो रहा था, नो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसके बाद फ्लाइट चार्जेस भी नहीं था, और जो हमें टैक्सी वैक्सी ले गया उसका भी चार्जेस नहीं था। उसके बाद हम यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे, दिल्ली एयरपोर्ट से हमें राजस्थान गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया, और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट के पर्सन वहाँ पे हमारे इंटरव्यू हुए, उनके साथ फ़ोटो क्लिक्स हुई। उसके बाद बैच बने, नहीं उसके उससे पहले हम राजस्थान गवर्नमेंट के पर्सनल व्हीकल में हम बैठ के राजस्थान हाउस गए जो दिल्ली में है, वहाँ पे उन्होंने हमारे पासपोर्ट लिए, हमको रूम अलॉट किए, और हम सबको खाना खाने के लिए भी बोले कि आप खाना खाओ। तो जब हम वापस आए तो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह वापस दिए, रूम कीज दी, और उसके बाद बोले कि जिस टाइम आपको निकलना है उस टाइम हमें बताओ, हम टैक्सी प्रोवाइड कराएंगे, वो टैक्सी भी फ्री ऑफ कॉस्ट, होटल फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद हम होटल में थे, अच्छा हुआ और फूल गया, बिना किसी परेशानी किए और इंडिया में पहुंच गए हैं। घर वालों को भी काफ़ी टेंशन थी, सबके घर वालों को थी। लेकिन वहाँ की जो युद्ध की स्थिति आप देख कर आए हैं, वो बड़ी भयावह स्थिति होगी, आपने जब देखा होगा बम जब ऊपर से गिर रहे होते हैं तो वो बड़ी खतरनाक। जी सर, वो तो थी, जब गिर रहे थे तब सब लोग पैनिक हो रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी बाहर लाना पड़ रहा था, हॉस्पिटल में भी थे छोटे बच्चे, उन सब पेशेंट्स को बाहर लाना पड़ रहा था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो आप यहाँ पर अच्छे कुशल यहाँ पर पहुँच गए हैं, और पूरा ग्रुप पहुँच गया, और जितने भी हम 80 स्टूडेंट्स थे, तो राजस्थान के आप कितने लोग आए थे? राजस्थान के 17 आए थे। और अपने झुंझुनू जिले के आप कितने? झुंझुनू जिले के थे सर हम 4 स्टूडेंट्स। चिड़ावा, पिलानी, चनाना और मेन झुंझुनू का उदयपुर वाटी, वो अलग पहले उनको। आपकी माता जी हैं, उनसे थोड़ा जान लेते हैं। जब युद्ध की खबर आपको मिली कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और आपका बेटा वहाँ फंसा हुआ है, तो क्या स्थिति थी और आपको बातचीत हुई? खराब थी, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत नहीं हुई, उस चक्कर में बहुत मन वो खराब था, भाई बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। पर ये ठीक है, भारत सरकार ने किया, जो बच्चों घर पे ले आए, अच्छा किया। अब ये सोच रहे हैं भाई इनका इधर ही कोई एडमिशन होना चाहिए कॉलेज में, उस वजह से तो अच्छा रहेगा। बाकी ये अब उधर जा रहे हैं यूक्रेन में, तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी उसे देख रहे हैं स्थिति को,
तो अब ये सोच रही हैं यहीं पे इनका एडमिशन होए और मोदी जी से रिक्वेस्ट है इनकी डिग्री आ जाए, तो यही चाहते हैं अब। तो ये जो 5 साल वहाँ पर पूरी इनका जैसे फाइनल ईयर था, इन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, वो खराब हो ना जाए, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि इनको डिग्री मिल जाए। मिल जाए बस ये बात है, इनको डिग्री मिल जाए, इनका अच्छा काम हो जाए। 5 साल पढ़े हैं, लास्ट साल था वो खराब हो रहा बच्चों का, पैसे भी लगे हैं 70-80 लाख एक बच्चे के ऊपर अभी लग चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है ना। ये बड़ा एक संकट ही है कि जो इंडियन जो स्टूडेंट हैं, वो जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट थे उनकी डिग्री आने वाली थी, इस समय में जो हालात पैदा हुए उसके बाद में उनका भविष्य क्या होगा, उनकी डिग्री की क्या हो रहेगा? नहीं, ये क्वेश्चन वी ऑलरेडी आस्क फ्रॉम आवर डीन, सो ही सेड लाइक लुक इफ एवरीथिंग गेट्स सॉल्व इन 20 or 30 days देन वील कॉल students back and they will write exam, like for especially sixth year students, and if situation is getting worse day by day then we look for an alternate. How it is possible, kyunki jo halaat dekh rahe hain wo to that's what we asked, and he was like we'll keep updating you, we'll be in touch if something get if everything get worse day by day, so we'll courier your degrees without question. होप कि जल्दी ही यूक्रेन और रशिया युद्ध समाप्त हो और आप लोगों की जो डिग्री वगैरह है वो भी आपको मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुलदीप जी के दादाजी हैं। आप जब आपको ये पता लगा कि युद्ध हो गया है और आपका पोता वहाँ पर फंसा हुआ है, तो वो स्थिति काफ़ी बहुत चिंता हो गई हमारे, रात को नींद नहीं आई यार, चिंता हो गई भाई क्या करें, लेकिन क्या करना चाहिए, अभी तो ठीक है, बच्चा आ गया है, आ गया, मोदी जी का भला हो, प्रधानमंत्री का, तो हमारे सरकार ने रेस्क्यू किया है उस बच्चों को, घर डाल दिया नहीं हमारे क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है, किसे दुख पाए, बदल भी चले हैं और भी चले हैं, और दुख खाना खोना भी नहीं मिला, और इधर गहलोत जी का भी बहुत मुख्यमंत्री का भला मानते हैं, हमारे बच्चों को घर गलाए और सारा काम करया, हमारे को कोई जोर नहीं आया, कोई पैसा नहीं लगाया है, कुछ खाने का पीने का सब प्रबंध गवर्नमेंट ने किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। और कुलदीप के भाई हमारे साथ में हैं राहुल। राहुल आपको जब पता चला कि उस स्थिति में, युद्ध की स्थिति में आपके भाई फंसे हुए हैं, तो आपने कॉन्टैक्ट भी किया होगा और टेंशन भी काफ़ी रही होगी? हाँ जी सर, मैंने कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की, कभी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कभी इंटरनेट भी नहीं पकड़ रहा, तो मैंने फ़्लाइट भी चेक की ऑनलाइन की कौन सी फ़्लाइट कब जा रही है, ये सब मैंने चेकिंग किया था ऑनलाइन। बाकी कुछ डिटेल्स मिली थी मैंने, मतलब भैया के दोस्तों को भी कॉल किया था कि कौन सा फ्रंट पे है कौन पीछे है, इनसे मतलब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी बहुत ज़्यादा, तो इनसे मतलब धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ता गया मेरा, इन सबसे बात हुई थी। तो फिर थोड़ा घर में आप एक इनको सूचना देने का काम कर रहे थे कि अभी ठीक है, सब माहौल ठीक है, मतलब स्थितियाँ ठीक है, वो सेफ़ हैं? हाँ जी सर, मैंने वो सब कुछ किया कि मतलब जैसे एक किसी भी पर्सन का घर पे एक बार हो जाता है तो सभी को बता दे कि भाई ये सिचुएशन चल रही है अभी, तो ये किया था मैंने। तो कॉन्टैक्ट आप बनाए हुए थे? हाँ जी सर, भैया के सभी दोस्तों जो मतलब भैया के ग्रुपमेट थे उनसे सबसे मैंने कॉन्टैक्ट बना के रखा था। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप के भाई, और कुलदीप जी से हमने बात की है, उन्होंने रशिया और यूक्रेन युद्ध के अंदर जो स्थिति है वहाँ की वो हमें बताई है कि किस प्रकार से वो देख अपनी आंखों से देख रहे थे कि बमबारी जो हो रही थी, और उस स्थिति से ये निकल कर के यहाँ पर पहुँचे हैं, पिलानी में अपने घर पे भी पहुँच गए हैं। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं दीपक दहिया, दैनिक न्यूज़ पिलानी।